आज का सीन बहुत बड़ा ट्विस्ट है कहानी का अब तक का. सब जानते हैं कि जो ये शो के फैंस हैं सब जानते हैं कि शिवराज और कनक की शादी किस नोट पे हुई थी. बिल्कुल प्यार नहीं था हमारे बीच में, बहुत अनबन थी, पर आज फाइनली कनक को प्यार हो चुका है. मुझे प्यार हो गया है मेरे हस्बैंड से, शिवराज से, और मैं उनके लिए सुहाग की सेज सजा रही हूँ. बहुत रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं, हम लोग बड़े रोमांटिक मूड में शूट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाने बजा के. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये फैंस के लिए बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस होगा देखने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस. हाँ, वो मुझे प्यार इस चोट की वजह से हुआ है. बेसिकली हुआ ये था कि अभी जो पास्ट एपिसोड्स गए हैं उसमें मैं किडनैप हो जाती हूँ, और शिवराज जिस तरह अपनी जान पे खेल के मुझे बचाते हैं, हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, दोनों बीमार हैं, जंगलों में भटके हुए हैं, पर हम दोनों एक दूसरे का बहुत साथ दिया. पर शिवा क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा मुझसे कभी भी खफा थे पुरानी बातों को लेकर, जायज़ भी था. अब मैंने सोचा कि जिस तरह से इस इंसान ने मुझे बचाया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, वही इंसान अब मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसे वो मेरा लवर भी होगा, मेरा प्यार भी होगा. तो मैंने शिवा को प्रपोज़ करने का पूरा प्लान बना लिया है और उसी की तैयारी में हूँ. बहुत बहुत इन्जॉय कर रही हूँ. दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड ऑन टेलीविजन, वन ऑफ द बेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना कनक जैसे, जिनमें कई कई सारे वेरिएशन आते हैं, गुस्सा, एंगर, नफरत, सॉफ्टनेस, रोना, प्यार, अच्छाई, बुराई, जो सब होता है, जो एक आम इंसान की जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर होता है ना, कनक काफ़ी रियल लाइफ कैरेक्टर है. ओके, शी इज़ नॉट समबडी जो बिल्कुल एक अंधाधुन में चलती है, सिर्फ नफरत है तो सिर्फ नफरत है, सिर्फ प्यार है तो प्यार है, या अच्छाई कर रही है तो किसी के लिए अच्छाई करती जाएगी. नहीं, वो बैलेंस रखती है, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा, जिसने बुरा किया उसके साथ और भी बुरा. सो या ये कैरेक्टर इन्जॉय करती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, और अब जो भी प्यार वाला मोड आया है आई एम वेरी हैप्पी. रो रो के थक गई थी मैं. सीक्वेंस ये है कि आप सबने देखा होगा कि हमारे शो में मेनका करके एक नई कैरेक्टर आई है, जो कि समर सा, यानी कि मेरे बहन के हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो मतलब रिश्ता टूटा नहीं था बट समर ने शादी कर ली थी और अब वापस आ गई है. अब ऐसा होगा कि वो ऐसी सिचुएशन कैरी करेगी कि समर को ज़बरदस्ती उससे शादी करनी पड़ेगी. अब क्योंकि शिवराज कभी अपनी बहन का घर टूटता हुआ नहीं देख सकता, तो कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाएंगी कि शिवराज समर की जगह छुप के दूल्हा बन के शादी कर लेगा मेनका से, जस्ट टू सेव हिज सिस्टर का मैरिज. एंड इन द मीन वाइल वो अपनी मैरिज को ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस कर देगा. ये है सीक्वेंस, बहुत धमाकेदार सीक्वेंस है, बहुत खतरनाक सीक्वेंस है, और उसके बाद जो शो में उथल पुथल होगी वो देखने में ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा. मेरा नाम है वर्षा शर्मा और मेरे कैरेक्टर का नाम है रसाल, और मैं शो कर रही हूँ रक्षाबंधन. क्या सीन है आजकल, बहुत वाला है थोड़ा? जी हाँ, आज एक्चुअली थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन है, क्योंकि हमारी भाभी सा है, उनको हम दिलासा देते हैं और मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि अगर भाई सा ने बेसिकली ना दूसरी शादी कर ली है, तो हम उन्हें दिलासा देते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि भाभी सा आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ,
मैं यहाँ पे सब पता लगा लूँगी और जल्दी से जल्दी मैं आपको बताऊँगी कि भाई साहब ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई साहब कभी ऐसा गलत नहीं कर सकते, तो इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। अभी क्या ड्रामा था, मतलब काफ़ी चिल्ला के आप जा रहे? हाँ, एक्चुअली यही एक्चुअली क्या है ना, शिवा भाई साहब ने एक और शादी कर ली है, जो कि हम सब जानते हैं शिवा ऐसा कभी नहीं कर सकते, राइट? तो अब इतना बड़ा कदम उठाया तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, नहीं तो ऐसा तो वो कभी नहीं कर सकते। तो अभी पता चलेगा कि क्या वजह थी, वो धीरे धीरे हम रिवील कर देंगे, बट आज यही हुआ हमारे शो में। आगे किस तरह के मोड़ आने वाले हैं शो में? ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए आपको देखना होगा रक्षाबंधन दंगल टीवी पे सिर्फ 7:30 बजे। और बस अभी यही चल रहा है कि भाई बहन का रिश्ता अच्छा है, लेकिन बहन का जो उसके हस्बैंड के साथ रिश्ता है, जो कि समरसा है, उनके साथ थोड़ी सी वो रिश्ता ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि हम सब जानते हैं चकोरी मासा ने मेरे हस्बैंड यानी कि समरसा को अपनी मुट्ठी में करा हुआ है। यहाँ भाई और भाभी के बीच में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि भाई ने मेनका से शादी कर ली है और ये बहुत अनबिलीवेबल है, क्योंकि भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो या इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू वॉच आवर शो।